दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। गिरफ्तारियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले के तार दूर दूर तक जुड़े हैं। ताजा घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हैदराबाद से अरुण राम पिल्लई नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में यह 11वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता के पूर्व सीए बुची बाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इस मामले में तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता से भी पूछताछ की जा चुकी है। इस हाई प्रोफाइल शराब घोटाले में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिन्हें 7 दिन की रिमांड के बाद 6 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। मनीष सिसोदिया पर नई आबकारी नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है।